السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة أرض السماوات والارض اعدت للمتقين سوره ال عمران ايت نمبر 133 وقال تعالى तिलकल जन्नतुल्लती नूर सोमिन एबाद ना मन गान तकिया सुर मरियम आयत नंबर सिक्सटी थ्री बरादर इस्लाम आज का ये हमारा मुख्तसर दरस तकवा की अहमियत के ताल्लुक़ पर होगा तकवा की अहमियत कितनी बड़ी है उसकी अहमियत के लिए हमने दो आयत करीमा पढ़ी है एक सूरह आले इमरान की और दूसरी आयत जो है सूरह मरियम की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने तु के लिए जन्नत का इंतज़ाम किया है उस जन्नत के लिए दौड़ने का हुक्म दिया दौड़ो रब की मकसरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई इसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के बराबर है वो मुकीियों के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है भाई तकवा ये क्या चीज़ है तकवा कहाँ मिलता है मुतकी बनने के लिए ज़रूरत है हमें आखिर मुतकी कैसे बना जा सकता है आज का ये दर्स है दूसरी याद मरियम की अल्लाह फरमाता है तिलकल जन्ना जन्नत है दिलकल लती नूर सोमिन इबादे ना यो जन्नत है, है। जिसके वारिस हमारे मुतकी बंदे होंगे जिनके दिलों में तकवा और परहेजगारी है हम उनको इस जन्नत का वारिस बनाएंगे जन्नत का वारिस कौन होगा यही जिनके दिलों में तकवा और परहेजगारी है और यही मकसद है रमजान के रोज़े का मकसद यही है तकवा है कुरान के नज़ुल का मकसद यही तकवा है कुरान रहबर है हिदायत नामा है जिनके दिलों में तकवा है अल्लाह का डर है हर के लिए नहीं तकवा परहेजगारी और वली बनने की सिफत कहाँ मिलती है अल्लाह ने खुद बयान किया है कुरान के अंदर सबसे पहली चीज वो यह है तकवा बनने के लिए ईमान के साथ गाय पर ईमान रखा जाए नमाज का क्याम किया जाए सद का खैरात किया जाए अल्लाज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व युतून अज़्ज़काह व युकीमून अस्सलाह व युकीमून अस्सलाह जो नमाज जो गए पर ईमान रखते हैं और नमाज का क़याम नमाज कायम करते हैं यही मुत्तकी है गए पर ईमान रखा जाए और नमाज का अहतमाम किया जाए अल्लाह के रास्ते में खैरात किया जाए सदका दिया जाए यही तकवा की सिफत है मुत्तकी बनने के लिए गोसे को, को पीने का अहतमाम किया जाए सब्र किया जाए यही तकवा की सिफत है आज और हमारे मुल्क में जो राइज है एक मुतकी एक वली बनने के लिए शर्त है किसी कब्रस्तान का चिल्ला लगाना किसी समंदर का चिल्ला लगाना कहीं नंगे होकर के जाकर के घूमना किसी शमशान घाट का चक्कर लगाना किसी दरगाह का मुजावर बन करके बैठ जाना बाल का ना काटना गंदगी में रहना यही ये सयातीन के नज़दीक वली बने की सिफत है ये सयातीन की वली होंगे लेकिन इस्लाम ने सिफत दी है वली कैसे बना जा सकता है यही शर्त है नमाज का अहतमाम करना जक़ात देना आज जितने हैं दरगाहों के मुजावर सदका खैरात मांगने वाले होते हैं देने वाले नहीं होते ये भिखारी बन करके के मांगते हैं ये मुजावर ये वली नहीं है ये देने वाले नहीं देने वाले वली हो सकते हैं देने वाले मुत्तकी हो सकते हैं ये मांगने वाले भिखारी बन करके के चर्स और भंग पीने वाले मांगने वाले दरगाहों पर बैठ के ये वली नहीं ये शयातीन हैं शयातिन हैं सयातिन को पालने वाले हैं शयातन को पालने वाले हैं श्यान को जन्म देने वाले हैं जहाँ पर ये गंदे गंदे जरासीम और गंदे लिबास पहन करके और अपना इजहार करते हैं कि ये अल्लाह के वली हैं अल्लाह के वली नहीं ये शयातन हैं। अल्लाह के वली बनने के लिए हमारे नबी की सिफत को हमारे नबी की तारीख़ हमारे नबी की उसीवे को देखना होगा नबी नबी का वो अमल देखना होगा कि नबी ने फरमाया कि जुमे के दिन नहाना वाजिब है मिसवाक करना सुन्नत है खेतान करना सुन्नत है नहाना सुन्नत है खुशबू लगाना सुन्नत है अच्छा लिबास पहनना सुन्नत है ये भंग और चरस पीने वाले दरगाहों पर गंदे लिबास पहन करके अपनी वली होने का मुत्तकी होने का दावा करते हैं ये मुजरिम हैं इस्लाम के दुश्मन हैं वली बनने के लिए शर्त है ईमान तकवा ईमान और गय परिमान रख का रखना नमाज का कायम करना जक़ात देना सब्र करना अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के रास्ते में सद का खैरा करना ये मुतकी बंदे की सिफत है और यही तकवा जो है जन्नत में जाने की ज़मानत बन सकता है तिलकल जन्नतुल्लती नूर सोमिनबा इबादेना मन का नकिया यह जन्नत है जिसके वारिस हमने उन बंदों को हमने बनाया है जिनके दिलों में तकवा और परहेजगारी है वक्की और परहेजगार है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें दौड़ना है उस जन्नत की तरफ उसको लेने के लिए आज ज़रूरत है कि हमें हमें अमल करना है हमें दौड़ना है सबकत करना है जिस तरह के इंसान दुनिया के माल कमाने के लिए दुनिया कमाने के लिए दौड़ता है आज हमें जन्नत लेने के लिए दौड़ना है और वो सिफत वही है और मुत्तकी मुत्तकियों में आज हमें अपना शुमार अपना शुमार करना है कि मुत्तकी कैसे बना जाए यही ईमान और तकवा यही सिफत है जन्नत में दाखिले के लिए अल्लाह ताला हमें हमें सही तकवा अपनाने की तोफ़ी अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए हमें मुत्तकी और अल्लाह का अपना वली अल्लाह अपना वली बनाए और अल्लाह हमें वो तकवा दे जो हमारे लिए जन्नत में दाखिले का सब बन सके चंद बातें थी अल्लाह ताला हमें समझने की तोफ़िकता फ़रमाएँ अर हम वर्क